हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया सिरप। ठीक है, तो जिन लोगों को भूख की नहीं लगती, जिनका वजन नहीं बढ़ता और जिनको खाने के बाद कब्ज की शिकायत हो जाती है, उनके लिए बहुत ही एक उम्दा सिरप आपके लिए पेश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एवं बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हमारे जितने भी वीडियो हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों ये आपके लिए हम सिरप लेके आए हैं, देख सकते हैं हंगरी नाम का सिरप है। ठीक है, सर्च कर सकते हैं आपको, ये मैन्युफैक्चर किया गया है लेबोरेट फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। ठीक है, लेबोरेट कंपनी जो है उसके द्वारा, और भी कई बाज़ार में अन्य कंपनियाँ हैं जो इसको डेवलप कर किया है, जिन कंपनियों ने मतलब इसको प्रोडक्शन करती हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं मार्केट में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे ये यूज कर सकते हैं आप। तो देखिए इसका जो साल्ट है, साल्ट इसमें क्या लिखा है आपको दिखा देते हैं, साइप्रोहेप्टाडीन HCl सल्फेट। ठीक है, तो साइप्रोहेप्टाडीन HCl सिरप ये है, और जो आपका 5 ml का कंटेंट है उसमें हम लिखा है बताएंगे, साइप्रोहेप्टाडीन HCl है जो वो आपका है 2 mg, और जो इसका फ्लेवर्ड सिरप बेस है, ठीक है, इस वो भी इसमें दिया गया है। तो इसका कलर आप देख सकते हैं, पेंसिन और फोर आर है। ठीक है, कलर तो इसका जो यूजेज है उसका देखिए, अब यूज बताते हैं हम इसका। तो यूजेज इसका ऐसा है कि अगर आपको कोई भी बीमारी हो गई, आपको भूख नहीं लग रही है या फिर भूख वैसे ही नहीं लग रही और आपका शरीर का वजन नहीं बढ़ रहा, तो आप इस सिरप को ले सकते हैं। तो जो एडल्ट हैं, एडल्ट मतलब वो एक दिन में 3 बार सिरप लें, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, और कहीं जाते सॉरी, और जो 3 साल से कम बच्चे हैं उनको हाफ टीस्पून दें 2 बार दिन में। ठीक है, और जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको 1 टीस्पून दें 1 बार, मतलब 2 बार दें दिन में। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, जो 3 साल से बिलो ही बच्चे हैं उनको 1/2 चम्मच 2 बार दें दिन में, और जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको 1 चम्मच 2 बार दें दिन में, और जो 6 से 12 साल के हैं उनको 1 चम्मच 3 बार दिन में। ठीक है, तो ये इसका है। अब समझते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट। तो साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ नहीं है, बस थोड़ा नॉर्मली 1-2 दिन आपको हल्का सा नींद सा महसूस होगा और थोड़ी शरीर में स्फूर्ति नहीं रहेगी 1-2 दिन, थोड़ा ऐसा लगेगा कि जैसे आपको आलस आ रहा है। तो इस दौरान आपको इसमें ये दिया गया है कि आप गाड़ी वगैरह हो गया, गाड़ी में चलाएं और कुछ जो अलर्ट रहने वाली काम होती हैं वो काम न करें। तो बहुत ही अच्छा सिरप, आपको 1-2 दिन में फ़र्क महसूस होने लगेगा, बहुत ही भूख लगेगी। और मार्केट में हो सकता है इस ये हंगरी आपको ना मिले, तो जो ये साल्ट है आप साइप्रोहेप्टाडीन, इस साल्ट के बहुत से मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे आपका बहुत ही एक मैन्युफैक्चरर है सिप्ला, तो सिप्ला नाम से सिप्ला कंपनी का आता है सिप्लेक्टिन, देखना आपको हम बगल में दिखा देंगे इसका फ़ोटो सिप्लेक्टिन सिरप का। और बहुत सी कंपनियां हैं जो आपको इसी साल्ट में देंगी, तो आप साल्ट तैयार रख लीजिएगा साइप्रोहेप्टाडीन HCl सिरप। ठीक है, तो एक फ़ोटो हम इसमें बगल में लगा देंगे, जो आपका सिप्ला वाला आता है सिप्लेक्टिन उसका भी। अब इसके प्राइस की बात करते हैं, तो जो सिप्लेक्टिन इसमें आ रहा है सिप्ला कंपनी का, उसका प्राइस लगभग 106 रुपये के लगभग, 106 या 107। ठीक है, और जो ये आपका ये हंगरी आ रहा है ये सिरप लेबोरेट का, इसका प्राइस है 130। ठीक है, तो बहुत ही उम्दा सिरप है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ हेल्प हुई हो तो ब्लीच चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दें एवं बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाली जितने भी वीडियोज हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ठीक है, और दोस्तों लास्ट में आपको एक सजेशन ज़रूर देना चाहेंगे कि जितनी भी दवाइयां हों उसमें एक बार फिजिशियन से ज़रूर आप कंसल्ट कर लें, अपने फिजिशियन से डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाइयां यूज करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, स्वस्थ रहिए और निरोगी रहिए। जय हिंद दोस्तों।